Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining portion of menstrual cycle, in which first of all we will study about the ovulation. In this class we will discuss about the ovulation. Ovulation matlab release of ova from mature graafian follicles. देखिए एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जब बढ़ता है तब तक जब तक कि नेसेसरी थ्रेशोल्ड ना पहुंच जाए जो कि पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है, पॉजिटिव फीडबैक एफर्ट डालता है हाइपोथैलेमस पर और पिट्यूटरी पर, जिससे कि एलएच का सर्ज हो रहा होता है. क्या कह रहे हैं हम, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता है जब तक कि पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट का नेसेसरी थ्रेशोल्ड ना पहुंच जाए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर, जिससे कि एलएच का सर्ज हो. ये 24 से 36 घंटे तक के ओवर में हो जाता है, जिसके दौरान एलएच इंड्यूस करता है ल्यूटिनाइजेशन को, ग्रैनुलोसा सेल के ल्यूटिनाइजेशन को डोमिनेंट फॉलिकल्स में, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है. एस्ट्रोजन से छोटे पैरी ओव्यूलेटरी राइज होता है FSH का. एंड्रोजन थीका सेल्स में बनता है और इसका राइज होने लगता है ओव्यूलेशन के समय पर. ऐसा माना जाता है कि ये लिबिडो को स्टिम्युलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. लिबिडो सेक्सुअल डिज़ायर को कहते हैं भाई, तो लिबिडो को ये स्टिम्युलेट करता है और इंश्योर करता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सही चल सके और ग्रेटेस्ट फर्टिलिटी के समय पर हो, मतलब फर्टिलिटी भी वो कॉज करवा सके. ऐसा माना जाता है इस एंड्रोजन का ऐसा रोल होता है कि लिबिडो को बढ़ाता है और ग्रेटेस्ट फर्टिलिटी के टाइम पर ये अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को इंश्योर करता है ताकि फर्टिलिटी नॉर्मल हो भैया. क्योंकि अगर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगी तो फिर इनफर्टिलिटी कॉज होगी इससे. तो ये हॉर्मोन्स ही है हमारे अंदर जो ये सारे के सारे चेंजेस लेकर के आ रहे होते हैं, चेंजेस को मेंटेन रख रहे होते हैं. तो हार्मोन का यहाँ पर रोल होता है. ठीक है, अब एलएच जो सर्ज हुआ था, अपन ने बोला कि एलएच का सर्ज होता है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रेडिक्टर होता है इमिनेंट ओव्यूलेशन का, कि एलएच का जब सर्ज हो रहा है उस वक्त ओव्यूलेशन होगा. और इस समय ये हार्मोन जो है ये डिटेक्ट होता है यूरिन के अंदर भी बाय मोस्ट ओवर द काउंटर ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर टेस्ट. क्योंकि एलएच ज़्यादा बढ़ जाता है यूरिन के अंदर तो इसी से अपन ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर टेस्ट करते हैं, प्रेडिक्ट होता है कि अच्छा ओव्यूलेशन हो गया, अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूरिन के अंदर अगर अपन चेक करें तो. ओव्यूलेशन अब नाउ नोन फ्रॉम अल्ट्रासोनिक स्टडीज़. अब ओव्यूलेशन को आप पहले तो आपने यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया, अब उसका अल्ट्रासोनिक स्टडी कर सकते हो. ग्रेजुअल फिनोमेना है जिसमें कि फॉलिकल्स कोलैप्स होंगे टेकिंग फ्रॉम सेवरल मिनट्स टू एज अ लॉन्ग एज एन आवर और मोर, कुछ मिनट से लेकर हो सकता है इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाए. तो जो सर्जन्स हिस्टरेक्टॉमी करवाते हैं वो विटनेस करते हैं इस स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन को एंड वर लकी टू रिकॉर्ड इट, और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. तो ये वहीं से ही रिकॉर्ड किया गया. देखो कैसे कितना अच्छा दिखाया गया ना, फॉलिकल से ये येलो कलर का, ये रेड कलर का तो फॉलिकल है और इसे ये येलो कलर का जो है वो ओव्यूल रिलीज हो रहा है. ये चारों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं. तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम डाल रहे जब ये देखो दिखाई दे रहा है तो उसकी रियल पिक्चर ली गई है. तो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन को, वो ओव्यूलेशन को देख सकते हैं. ओव्यूलेशन वो जो है वॉज नॉट एन एक्सप्लोसिव इवेंट एज इट इज एज्यूम्ड बट रैदर टेक्स टाइम एंड स्मूद रिलीज ऑफ एन एग. तो ऐसे कोई एक्सप्लोजन से ये ओव्यूल नहीं निकलता, ऐसे धीरे धीरे स्मूदली स्लोली ये निकल रहा होता है ओव्यूल इस फॉलिकल से, जिसको आप क्या कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं. इसमें ऊसाइट जो है वो ओवरी की सरफेस से एडहेयर हो जाता है और एक्सटेंडेड पीरियड चलता है जिसके दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा फैलोपियन ट्यूब के और उस वो ट्यूबल एपिथेलियम के कांटेक्ट में आएगा, इसको फैलोपियन ट्यूब को के कांटेक्ट में लेकर के आएगा. प्रोबेबली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ट्यूबल का सीलियरी मूवमेंट वहाँ पर चल रहा होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इस ऊसाइट की एंट्री को और इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर देता है. क्योंकि ओवरी में तो ये बना है ओव्यूल, ओव्यूल बनते ही अब कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में. ये मूवमेंट किससे चलता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से और ट्यूबल के सीलियरी मूवमेंट के द्वारा जो ऊ साइट बना है ओवरी में, कहाँ बना था, ओवरी की सरफेस पर ये ऊ साइट बन करके चिपक गया था
और फिर एक लंबे समय के बाद जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चलता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तब ये ट्यूबल एपिथेलियम के कॉन्टैक्ट में आता है। और ये मूवमेंट, दो मूवमेंट्स है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ट्यूबल सिलियरी मूवमेंट, जो कि इस ऊसाइट को इस फेलोपियन ट्यूब में लेकर के जाते हैं। सिलियरी एक्टिविटी जो है हालांकि ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ वुमेन के अंदर इमोटाइल सीलिया होते हैं, वो भी प्रेगनेंसी को कंसीव कर रही होती हैं, कि सीलिया अगर इमोबाइल भी रहेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि ओव्यूल मूव नहीं करे, यानी प्रेगनेंसी उन फीमेल्स में भी देखी गई है, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है ये सीलियरी एक्टिविटी। अब ओव्यूलेशन हो गया, उसके सिम्टम्स मिडल पेन होता है, ये पहचान है। जैसे ऐसे तो भाई पेन जो है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है, जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाता है पेन एकदम सही हो जाता है, पर बीच में 14th डे पर एक बार अचानक से थोड़ा अजीब सा पेन हो रहा होता है, जो ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुअल जैसा है पर उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, वो एक्चुअली ओव्यूलेशन का सिम्टम होता है, उसको मिडल पेन कहते हैं। इसमें बेसल बॉडी का बेसल बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो राइज होता है इस दौरान। अब आती है ल्यूटियल फेज, जिसमें ऊसाइट रिलीज होने के बाद ग्रैन्यूलोसा और थीका सेल जो है वो ओवरी पर ही रहती है और कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। ग्रैन्यूलोसा सेल वैक्यूलेटेड दिखाई दे रही होती है, येलो पिगमेंट वहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए इसको अपन फिर कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी कह देते हैं। ग्रैन्यूलोसा सेल जब ऊसाइट रिलीज हो गया, ल्यूटियल फेज दौरान ऊसाइट रिलीज हो गया यानी ओव्यूलेशन हो गया, तो वो वैक्यूल जैसी दिखाई देगी ग्रैन्यूलोसा सेल्स, और उसमें येलो पिगमेंट आकर के इकट्ठा हो जाता है, इसलिए अपन इसको येलो बॉडी या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम में बाद में बहुत ज़्यादा वैस्कुलराइजेशन हो जाता है और ग्रैन्यूलोसा सेल सप्लाई होती है खूब सारी ब्लड सप्लाई से कंटिन्यूड स्टीरिडियोजेनेसिस के लिए, यानी स्टीरॉयड का वहाँ पे सिंथेसिस हो, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन बनेंगे ना आगे जाकर के, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, तो हार्मोन बन सके, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई जो होती है आ जाती है, ग्रैन्यूलोसा को सप्लाई करने स्टार्ट हो जाती है। दिस इज एडेड बाय लोकल प्रोडक्शन ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसमें और VEGF का भी रोल होता है। VEGF जो है वो लोकल उसका प्रोडक्शन होने लग जाता है। अब ये डायग्राम दिखाएगा, प्राइमरी फॉलिकल से ग्रोइंग फॉलिकल बना, फिर ग्रैफिन फॉलिकल बना, ग्रैफिन फॉलिकल में ओव्यूलेशन हो गया तो पीछे बच गया कॉर्पस ल्यूटियम जो कि पीले रंग का हो जाता है, और फिर बाद में ये डिजेनरेट भी हो जाता है जब इसका रोल ख़त्म हो जाता है। तो अब जो ऑनगोइंग पिट्यूटरी एलएच का सीक्रीशन है और ग्रैन्यूलोसा सेल की एक्टिविटी है, वो इंश्योर करती है प्रोजेस्टेरोन सप्लाई को, जो कि स्टेबलाइज करती है एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के प्रिपरेशन के लिए। ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है इस साइकिल में हाईएस्ट रहता है, ल्यूटियल फेज के दौरान साइकिल में हाईएस्ट रहता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल। ये एलएच और एफएसएच के सीक्रीशन को भी सप्रेस कर देता है एक लेवल तक, दैट विल नॉट प्रोड्यूस फर्दर फॉलिकुलर ग्रोथ। अब एफएसएच एलएच का लेवल क्यों यहाँ पे कम हो गया, ताकि आगे फॉलिकल की ग्रोथ ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि भाई ओव्यूलेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो भाई प्रेगनेंसी चलेगी, तो बाकी फॉलिकल्स ग्रो नहीं करने चाहिए, ताकि दोबारा ओव्यूलेशन ना हो जाए, दोबारा कोई मेंस्ट्रुएशन वगैरह ना हो और प्रेगनेंसी में डिस्टर्बेंस ना हो, तो ओवरी में फॉलिकुलर ग्रोथ को रोकने के लिए इस साइकिल के दौरान एलएच एफएसएच का सीक्रीशन जो है वो नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस साइकिल में बहुत हाईएस्ट होता है इस ल्यूटियल फेज के दौरान। ल्यूटियल फेज जो है 14 दिन तक लास्ट चलती है अधिकतर वेमेन में, ज़्यादा उसमें वेरिएशन मतलब 2-4 दिन का देखने को मिलता है अदरवाइज, या 1-2 दिन का ही, अदरवाइज कोई वेरिएशन इसमें नहीं आता है। पर अगर SCG ह्यूमन कोरन गोनेट्रोपिक हार्मोन अगर एबसेंट होता है तो ल्यूटियोलाइसिस हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन, क्योंकि ल्यूटियम तो टूट गया, ल्यूटियोलाइसिस हो गया, तो मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एलएच के लिए लेस सेंसिटिव होता है, प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है और ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है ओवरी से। प्रोजेस्टेरोन के इस विड्रॉल को ही अपन क्या कहते हैं, आगे मेंस्ट्रुएशन वो कॉज करवाएगा, यही मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ रिड्यूस हो जाता है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन जो है वो फिर गोनोट्रोपिक हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, पर्टिकुलरली एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे कि न्यू प्री एंट्रल फॉलिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और साइकिल जो है वो नई साइकिल शुरू हो जाती है।
ये ओवेरियन साइकिल देखो, हाइपोथैलेमिक इम्पल्सेस आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ये गोनाड्रोपिन को रिलीज करेंगे, LHFSH, FSH जो होता है वो, नो इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू प्राइमरी फॉलिकल। FSH का कोई रोल नहीं है, पर LH और FSH क्या क्या रोल करता है? LH एक तो कॉर्पस ल्यूटियम और ओव्यूलेशन के रिस्पॉन्सिबल है, और फॉलिकल को मैच्योर भी करते हैं। FSH भी ओव्यूलेशन करवाता है और फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। तो ये देखिए 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल्स है, एट्रेशिया हुआ, कॉर्पस एट्रेकम बनता है, आगे जा रहे हैं जा रहे जा रहे, डेवलपमेंट हो रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, प्राइमोर्डियल प्राइमरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल से वही ओव्यूल निकल गया, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। फंक्शन देखिए भाई FSH और एस्ट्रोजन के, FSH प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स के मैच्यूरेशन को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर GDF9 में रोल होता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है थीका इंटरना सेल से और ग्रैनुलोसा सेल से, थीका इंटरना सेल्स एंडोस्टेनडायोन प्लस टेस्टोस्टेरोन में रोल प्ले करती है, और ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो कन्वर्ट करती है इनको एस्ट्रोजन में, एस्ट्रॉन में और 17B एस्ट्राडायोल में। अब एस्ट्रोजन जो कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है नई प्रोलिफरेटिव फेज के लिए, इसमें सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग हो जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होती है LH के सीक्रीशन के लिए। LH सर्ज क्या है? इसमें MPF यानी मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कि कॉजिंग ऊसाइट टू कम्प्लीट मियोसिस फर्स्ट एंड इनिशिएट मियोसिस सेकेंड। इस LSR से मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है फॉलिकुलर सेल से, यानी ल्यूटिनाइजेशन होता है, फॉलिकुलर रप्चर होएगा और ओव्यूलेशन प्रोसेस चलेगा। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या करता है? ये सेकंड सीक्रेटरी चेंजेस लेकर के आता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम में और यूट्रस को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। ये मेटाफेज में अरेस्ट हुए दिखाई गया, जब सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर होता है LH सर्ज होता है और प्री ओव्यूलेटरी ग्रोथ फेज चलती है। जोना पैल्यूसिडा दिखाई गई है, प्राइमरी ओसाइट में डिवीजन हो रहा है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, सेकेंडरी ओसाइट में डिवीजन दिखाई गया, सेकेंडरी ओसाइट और वन पोलर बॉडी यहाँ बन गई, फिर सेकेंडरी ओसाइट में डिवीजन हुआ तो पोलर बॉडी में भी डिवीजन हो रहा है। ये एंडोमेट्रियल साइकिल जिसमें तीन स्टेजेस होती है, मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज। ये साइकिल, ये पूरी लाइनिंग दिखाई गई है एंडोमेट्रियम की, फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर और मायोमेट्रियम। ये स्ट्रेट आर्टरी है, हेलिकल आर्टरी है, एक्यूट आर्टरी और वेन्स दिखाई गई हैं। ये यूट्राइन ग्लैंड्स है जिसकी एपिथेलियल लेयर है, ये सीक्रीशन हो रहा है यहाँ पर चीज़ों का, ये वेन्स दिखाई गई हैं। ये एंडोमेट्रियल साइकिल, यूट्राइन साइकिल, ये पिक्चर अपन ने पहले ही पढ़ी थी, ये हॉर्मोन्स का लेवल दिखाया गया है। तो बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।